खेतों से, खलियानों से, सड़कों की बदलती सूरत से, शिक्षा में बढ़ते कदमों से, पक्के होते मकानों से, तकनीक से दक्ष किसानों से, खुशहाल होते गांव से, बदलते वक्त के साथ बदलती गांव की तस्वीर, गांव से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात से हम आपको कराएंगे रूबरू। बुजुर्गों के एक छोटे नाम बच्चे से जानते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? अनिकेत कुमार। अनिकेत कुमार, ये अभी आप बता रहे थे कि प्राथमिक विश्वविद्यालय है जो, इसमें कैसे अभी निर्माण कब हुआ इसका? अभी जब बीच में योगी जी को आना हुआ तभी हुआ। क्या उससे पहले कैसी कंडीशन में था ये? पहले यहाँ पर काफी कबाड़ वगैरह था, अब तो काफी ठीक हो गया। गाँव की रोडों का क्या हाल है? अब गांव के अंदर तो अभी गए नहीं, नए आए हैं यहाँ पर। अच्छा, आप अभी यहाँ पे नए आए हैं और यहाँ का आपने वातावरण देखा होगा गांव के, क्या हाल है? इस गांव के प्रधान जी कैसे हैं? अच्छे हैं, वो भी काफ़ी विकास किया है गांव का जितना उनको करना चाहिए। इनका बताने का तरीका ये था कि गांव में विकास प्रधान जी ने किया है, मगर जो ये प्राथमिक विद्यालय है ये पहले कबाड़ पड़ा हुआ था, योगी जी के आने के डर से प्रधान जी ने इसको ठीक कराया हुआ है। बात करते एक महिला से कि देखिए उनकी ग्राम पंचायत में किस तरीके प्रधान जी ने काम कराए हैं और क्या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। माता जी, क्या नाम है आपका और किस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ा? वह रास्ता है, रास्ता हमारे बहुत दिन से पड़िया प्रधान से कहते, प्रधान कहते मैं पंजेब से बनवाऊंगा जी। हाँ, तो आपने जब प्रधान जी को वोट दिया था, प्रधान जी ने आपसे क्या क्या वादे किए थे? वह हमसे वादा नहीं मालिक बाबू का पठे बेटा बेटी चाहिए उन्हें पढ़े। क्या रोडों की क्या हालत है आपके? देख लिया तो भैया मठे चला दानू का। देखिए इनके बताए हुए रास्तों पे अभी हम चलते हैं अपने कैमरे के माध्यम से और देखेंगे कि क्या है रास्ता। तिवारी, दिनेश तिवारी जी, आपके गांव में किस तरीके प्रधान जी ने काम कराया है? काम तो ठीक किया है, ये रोडों का बढ़िया काम किया है। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आप तक पहुंचा है? नहीं, हमारे पास नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री शौचालय योजना का लाभ आप तक पहुंचा जी? नहीं, हमारे पास नहीं पहुंचा। आपने फॉर्म डाला हुआ? फॉर्म डाला था। क्या प्रधान जी टट्टी खा गए? अब जो खा गया वो नहीं दिया आप तक। आपकी यहाँ पे घर के आगे बहुत कचरा दिख रहा है, नाली टूटी हुई, क्या आप इस कारों से खुश हैं प्रधान जी के? सफाई नहीं, अभी आगे चले तो आपको और समझ में आएगा, दिखेगा। तो प्रधान जी ने किस तरीके कहते हैं यार, नहीं नहीं सफाई कराते हैं कभी तो देते हैं। पूर्व प्रधान किस तरीके के प्रधान रहे हैं, किस तरीके की दिक्कतें आपको प्रधान नहीं में आई हैं इस बार? ये कोई किसी दिक्कत नहीं खास है, लेकिन सब कुल मिलाकर समाज समझ के अपना समाज के ज्यादा जातिवाद, बस जातिवाद जातिवाद ज्यादा कर अधिक तक चलाते हैं आप। अच्छा, आप मतलब प्रधान जी से इस बार खुश नहीं है? नहीं खुश हैं, पर लेकिन सब कुल मिलाकर ये तरीके का आप नया प्रधान बनाना चाहेंगे? प्रधान अभी जब नया प्रधान चुनाव हो तभी देखेंगे। नहीं नहीं, उम्मीदवार आ रहे हैं आप? हाँ, तो कई वादे कर रहे हैं जैसे कि पिछले वर्ष करते थे, देखेंगे समझ के। जो प्रधान आपको कैसा प्रधान चाहिए? जो अच्छा कार्य है, अच्छा पढ़े लिखे हो और काथे गांव के सभ्यता सभ्य हो, उस तरह का प्रधान करेंगे सोच के। मतलब आपको चाहिए गांव की जो दिक्कतों का सामना का समस्या समझे, पढ़ा लिखा प्रधान, पढ़ा लिखा हो। देखिए इनके करते हैं इनसे, आपका क्या नाम है और आपके गांव में किस तरीके के प्रधान जी ने आपके काम कराए हैं? छिदुआ वर्मा है, मैं जमार हूँ जात का। आज तक मेरे को ना कोई कॉलोनी, ना कोई खुड्ढी, ना कोई लैटरिन, कुछ नहीं आते। आपको प्रधानमंत्री शौचालय योजना के अंतर्गत आपको क्या शौचालय नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है आज तक। किसने खाया शौचालय आप बता सकते हैं? प्रधान जाने प्रधान खा गया, सचिव खा गया, हमें मालूम नहीं। मतलब प्रधान जी टट्टी खा गए और क्या खाई जाएगा जब हमें एक ठो नहीं मिला है आज तक।
प्रधान जी ने आपके ग्राम सभा में आपके प्रधान आपने नियुक्त किया था, जनप्रतिनिधि बनाया था, प्रधान जी ने आपसे वादे किए थे, कि आपके कोई भी वादे पूरे किए हैं? कुछ नहीं किया हमको, वो हम बिल्कुल हम आज तक ऐसे ही पाई चल के देख लो ऐसे ही पड़े हैं सब कुछ। देखिए इनका बताने का तरीका ये है कि ना इनको शौचालय मिला है, ना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको कोई लाभ मिला, ना प्रधान जी की तरफ से कोई इनको लाभ मिला, इनकी पीड़ा खुद बयां कर रहे हैं। लाल वाला हमको राशन नहीं मिल रहा हो मिल रहा है। देखिए अपने आप को हरजन बताते हैं, उसके बाद ये प्रधान के बारे में बताते हैं, और इनका ये भी कहना है कि मेरा लाल राशन कार्ड था उसमें भी मेरे घर के यूनिटों का नाम काट दिया गया है। देखिए इनकी कितनी पीड़ा है। छोड़ो गल्ला तक नहीं देते, कैंसिल कर दिया मेरा लाल कार्ड, पूरा कार्ड कैंसिल कर दिया। कहीं आपने अधिकारियों को बताया? गए हैं वहाँ जमा कराए दो देते हैं। अधिकारियों आपसे क्या आश्वासन देते हैं? आश्वासन का दिया, उन्होंने कहा बन जाएगा, प्रधान से लिखा के लाइए, प्रधान लिखने को तैयार नहीं हुआ, खत्म है तो खत्म। देखिए प्रधान सीधे सीधे अपने आप को बचाने की राह में हमेशा सामने आते हैं। आज एक फिर मामला सामने आया कि एक गरीब को अनाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, दूसरी तरफ वो अधिकारियों के चक्कर लगाता है, कभी प्रधान की सिफारिश करता है मगर कोई सुनने वाला नहीं। ये है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के हाल, खुद बयां कर रहे हैं अपने आप हकीकत। अवधेश तिवारी जी, आपके गांव में प्रधान जी ने पंचायती चुनाव आ गए हैं, पूर्व प्रधान ने किस तरीके के कार्य कराए हैं? खरंजा वगैरह बिछवाया, नल बनवाया, बिजली के खंभे लगवा दिया नए। और अभी यहां के गांव वालों का बताना है कि किसी का लाल राशन कार्ड बना था वो निरस्त कर दिया गया। अरे नहीं, तो किसी की नाली में रोडों में कीचड़ नजर आ रहा है। जब तक प्रधान रहा भी तो बंद है, तो बहुत काम कराया उसने। अच्छा, प्रधान ये बहुत काम करा है, स्कूल में राशन बच्चों को हर चीज सुविधा दिया, अपने पैसा से भी खर्चा किया बहुत। अच्छा, प्रधान यहाँ का मतलब ये बहुत अच्छा प्रधान है, बहुत अच्छे काम कर रहा है। प्रधान बहुत अच्छा था ये। अच्छा। अब आगले आए तो कैसे होगा ये। अच्छा, आप प्रधानी से किस अभी तक की पिछले प्रधानियों में से सबसे अच्छा प्रधान आपके लिए? हाँ, ये रामकिशोर अच्छा था, पट्टीदार। इसने किस तरीके के सराहनीय कार्य और पहुंचाए, लोगों तक शौचालय पहुँचाया, प्रधानमंत्री शौचालय? हाँ, शौचालय हजारों शौचालय बने हैं सबके यहाँ, घर घर बने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कॉलोनियाँ, सब कॉलोनियाँ भी बहुत मिली हैं इसके जमाने में, और बहुत मिली हैं इसके जमाने में। आप उसकी इस प्रधानी से खुश हैं? हम दोबारा इसको प्रधान बनाना चाहते हैं इसको प्रधान दोबारा। हम किस तरीके का प्रधान जी को आप सपोर्ट करना चाहेंगे? हम इसको 10 नंबर में 9 नंबर है इसका। अच्छा, 1 नंबर क्यों कम करना चाहेंगे? 1 नंबर ये है कि कभी कभी जैसे नाली में ना रहा है, बाहर चला गया तो टाइम नहीं मिलता, मतलब कहीं बाहर चला गया, बाहर चला गया तो ठप हो जाता है काम। अच्छा, नहीं काम देखता रहता है, मतलब इसलिए 1 नंबर कट करना था। अभी तक नहीं आई है। ये प्रधान जी ने आपको तक के दरवाजे की रोड भी सीसी बनवा दी है जैसे, और आपके इधर गांव में खम्भे भी बिजली खड़ा कर, इससे आपको लाभ लग रहा है? लाभ मिल रहा है। और कुछ गरीबों का जो आपके गांव, कुछ गांव में कुछ गरीबों का ये कहना है, ये पूजा है और ये मवई गांव की है, ये इंटर में है, इंटर क्लास में है, पढ़ने वाली छात्राएं। देखिए इनकी क्या दर्द बयां हकीकत है, ये खुद अपनी जबान से बताएंगी। क्या है ये गांव की हकीकत? यहाँ की प्रधान नहीं बनवा, कई बार कह भी चुके हैं। आपको स्कूल जाने में किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हिम्मत यहाँ नहीं पड़ती, अतरम पड़ती हूँ मामा लोग। मगर गाँव से यहाँ से निकल के जाने में किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना? संद के जाना पड़ता है, हिले में कचड़े से निकलना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे प्रधान जी कोई लाभ आप तक पहुँचा रहे हैं स्कूल का, शिक्षा के बारे में? आपके घर में शौचालय पहुँचाया? नहीं पहुँचाना, कॉलोनी ना शौचालय। आपके गांव में कोई भी लाभ आप तक पहुंचाया नहीं गया प्रधान जी की तरफ से? पहुंचाया है लेकिन हमारे मोहल्ले में नहीं पहुंचे। आपके मोहल्ले में कोई भी लाभ नहीं पहुंचाया गया? मिला है। क्या मिला है? कॉलोनी मिली है लोगों को, लेटिंग भी मिली है, मगर आप लोगों को नहीं मिली। आप लोगों ने कागज फार्म भरा हुआ था? भराया, प्रधान से भी कहा तो उन्होंने नहीं भरा। देखिए इन्होंने फार्म भी भरा और बता रही हैं, मगर प्रधान से भी कहा, मगर प्रधान ने अपनी यहाँ पर ये हरजन बस्ती है, यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग हरजन हैं और कहते हैं प्रधान जी कि मुझे इन्होंने वोट नहीं दिया, मैं इसलिए इनके गांव ग्राम का काम नहीं कराऊंगा। यह है इस गांव की हकीकत बयां।
की लड़की है, मवई बुजुर्ग की रहने वाली है। गांव के लोगों ने बताया कि इनकी पिता की डेथ हो चुकी है, मगर इनको अभी तक कोई भी लाभ नहीं मिला। ये इंटर क्लास की छात्रा है, छात्रा होने के बाद भी बच्चे को कोई लाभ नहीं मिल रहा। उनकी माता और बेटी लगातार प्रधान जी को अप्लीकेशनें देती रहीं और कहती रहीं। देखिए इनकी जबानी सुनते हैं। आप तक क्या लाभ पहुंचाया है प्रधान जी ने और आपको किस तरीके की लगातार दिक्कतें आ रही हैं? प्रधान ने अभी कुछ भी नहीं हमें लाभ दिया। आप कब से, आप 5 साल पूरे होने जा रहे हैं प्रधान जी के, पूरे हो चुके हैं प्रधान जी से आपने कितने बार चक्कर लगाए हैं प्रधान जी के घर पे? प्रधान जी के बार कई बार भी कह चुके हैं, प्रधान जी कुछ भी नहीं किया, एक भी लाभ भी नहीं मिला कुछ भी। आपके पिता नहीं, आपको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अभी अभी आप बता रही थी कि मामा के यहाँ आप रहती हैं, वहाँ पढ़ती हैं, तो यहाँ पे गाँव में क्या कोई स्कूल नहीं है? आप स्कूल है लेकिन बांदा में है, तो वहीं यहाँ कोई देखने उखने वाले नहीं, तो इसलिए मम्मी ने नाना के यहाँ भेज दिया, तो वहीं पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या आपके घर में शौचालय बना हुआ है? नहीं बना। प्रधान जी से कहा है? प्रधान से कहा भी है तो उसने कुछ भी नहीं करा। कॉलोनी प्रधानमंत्री आवास योजना कॉलोनी आपने फार्म डाला था, आपकी आई है? नहीं आई, अभी फार्म डाल दिया है। कब फार्म डाला था? फार्म एक दो बार भी डाला है। दो बार फार्म भी डाल चुके हैं, उसके बाद भी इनके कॉलोनी पास नहीं हो रही। प्रधान जी के चक्कर लगाने के बाद भी इनको दिक्कतें उठानी पड़ रही है। अपने नाना के यहाँ रहती हैं और वहाँ से पढ़ाई पूरी कर रही हैं। देखिए ये है मवई गांव के प्रधान की हकीकत। बात करते हैं मवई बुजुर्गों के एक युवा साथी थे जो इन्होंने अपनी यहाँ की हकीकत बयां करेंगे। क्या हकीकत है इस गांव की और क्या प्रधान जी ने सराहनीय कार्य क्या क्या कराए हैं, क्या क्या योजना का लाभ आपके गांव तक पहुंचाया हुआ है? क्या नाम है आपका? अतुल यादव। आपके ग्राम पंचायत में आपके प्रधान जी ने क्या क्या आप तक लाभ पहुँचाए हैं? क्या प्रधानमंत्री योजना के तहत मनरेगा मजदूरों को काम मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला। क्या आपके ग्राम पंचायत में शौचालय हर घर तक पहुंचा है? पहुंचा है। कितने प्रतिशत आपके गांव में शौचालय बने हुए हैं? 50% शौचालय पहुंचा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके ग्राम पंचायत में कितनी कॉलोनियां बनी हैं? समथिंग 50%। अभी लोगों का यहाँ पे ये भी बताना है कि यहाँ के प्रधान जी टट्टी खा गए और पास भी हो गया, उसके बाद भी उनके घरों में टट्टियाँ नहीं बनी, क्या ये इल्ज़ाम सही है? जी हाँ, यह हकीकत है इस गांव की। जी हाँ, यह हकीकत है। आप इस ग्राम पंचायत में मवई बुजुर्गों में खड़े हैं, अभी जिस तरीके कैमरे के से दिखा सकता हूँ कि रोडों की कंडीशन क्या है, कि नालियाँ और रोड में पता नहीं लग पा रहा है। देखिए यही युवा साथी बताएंगे इस रोड की हकीकत, ये कौन सी रोड है और इसमें मोहल्ले का मेन रोड है गांव का, और जिसमें प्रधान जी ने नहीं बनवाया, कई बार उनके पास कहा भी गया है। आपके गांव के लोगों को किस तरीके की इस रोड ना बनने से दिक्कतें आ रही हैं? आज न पड़ने की वजह से बरसात में दिक्कतें आ रही हैं आने जाने में, और पानी नालियों से पानी नहीं निकल पा रहा तो पानी भर जाता है। यहाँ पर पानी भर जाता है, लोगों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, मगर प्रधान जी अपने होश में रहने के बाद वादों के साथ मुकर जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि वृद्ध हैं और उनसे क्या नाम है आपका और आपके इस गांव के बुजुर्ग हैं, आपने इस गाँव में क्या आपके घर में शौचालय पहुँचा है? शौचालय हमारा खुद का है, प्रधान की तरफ से कुछ नहीं। अच्छा, प्रधान की तरफ से कुछ नहीं है, आपको प्रधान की तरफ से कोई लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला। आपके इधर की रोडें नालियां और तमाम जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आपके प्राथमिक विद्यालय हैं, क्या इसमें साफ़ सफाई और शौचालय व्यवस्था ठीक ठाक है? कोई व्यवस्था नहीं, जो सफाई कर्मी आते हैं प्रधान घर में झाड़ू मारते हैं, स्कूल मारे चले गए 10 बजे 11 बजे घर। मतलब गाँव में झाड़ू भी नहीं लगती है? ना कभी कोई नाली साफ होती है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि 5 साल हो चुके हैं, ये कौन सी बस्ती है? अब ये सब बालू थोक है, ये बालू थोक बस्ती है और भानु थोक है, और यहाँ पे लगातार लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखिए किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या प्रॉब्लमें आ रही हैं। अब यहाँ पे रास्ते सही नहीं है, देख लीजिए रास्ते में पानी भरा हुआ है, बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, अब ये समस्या तो है। आपको प्रधान जी के कार्य कामों से खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल खुश नहीं है। क्या प्रधान जी ने आपको कोई लाभ पहुंचाया अपनी पंचायत प्रधानी में रहने के बाद, गांव से जो वादा किया था वो वादा पूरा किया? नहीं, हमें एक शौचालय भी नहीं मिला।
आपको कोई शौचालय नहीं मिला है? नहीं। और कोई लाभ? और कोई लाभ नहीं। नाली रोडे और तमाम काम गांव के लिए सारा नहीं, कोई काम नहीं हुआ यहाँ। देखिए इनकी जबानी से भी बयां हो रही गांव की हकीकत। ये मवाई बुजुर्ग गांव बांदा से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है, मगर आला अधिकारी इसमें अभी भी सोते नजर आ रहे हैं। ईवी इंडिया टीम में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं प्रधान उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की, देखते हैं गांव के क्या हाल हैं और पंचायत चुनाव में किस तरीके के सरकार के लाभ गांव तक पहुंचे हैं। आपका क्या नाम है और आपकी ग्राम पंचायत में किस तरीके के सराहनीय कार्य आप तक पहुंचे हैं? मेरा नाम छोटू सिंह है और यहां पर जितने जीतते हैं केवल वादे करते हैं लेकिन कोई करता नहीं है कुछ। देखिए जिस तरीके इनका कहना है कि यहाँ पे जो भी जीतते हैं वो यहाँ पे कोई काम नहीं कराते, जिस तरीके आपके बताया जा रहा है लोगों में कि आपके दल की खरंजे रोडे बनना थी और शौचालय बनना थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कॉलोनियाँ मिलना थी, 2.5 लाख रुपए मिलना थे, क्या आप लोग का उसका लाभ मिला है? यहाँ पर जिसके पास दो दो शौचालय हैं उनको पैसा मिला है, जिसके पास एक शौचालय है उसको कुछ नहीं मिला। तो क्या आप इस प्रधान से खुश हैं? बिल्कुल नहीं। ये प्रधान कैसा प्रधान आपको लगता है? एक नंबर का बेईमान। 420 प्रधान ने क्या आप तक कोई भी लाभ नहीं पहुंचाने? कुछ नहीं, कुछ नहीं करता है, केवल पैसा खा जाता है, जहाँ से घूस मिलती है उसी का करता है। देखिए थे छोटू जी, छोटू सिंह जी, और इन्होंने अपनी दर्द पीड़ा बताई। आइए ग्राम पंचायत से और भी लोगों की पीड़ा जानते हैं। देखिए बैठे हुए हैं एक बुजुर्ग, इनसे पूछते हैं आपके ग्राम पंचायत में प्रधान जी ने क्या क्या सराहनीय आपके कार्य कराए हैं? क्या बताऊं साहब, जो उसका शौचालय बनवाए हैं आपको, शौचालय का लाभ मिला है? हाँ मिला है। आपको जो कॉलोनी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कॉलोनी का था, आपको कॉलोनी मिली है? कॉलोनी तो नहीं मिली सर, नहीं मिली। आपके इधर क्या सारी रोडे खरंजे वगैरह गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं? अब कहीं कहीं रह गए, कहीं कहीं हो गए हैं। क्या आप इस प्रधान से खुश हैं? हाँ खुश हैं, गांव का है तो गांव में खुश है। अभी तो कुछ लोगों ने बताया कि जैसे कि यहाँ पे लोगों ने बताया कि ये प्रधान से पैसा खाता है, काम कम करता है, और जो भी सरकारें आती हैं जिस तरीके की भी पंचायत प्रधान बनते हैं वो सब पैसा खाते हैं। हाँ खाँ बाल तो खाते हैं, मान लीजिए कुछ जनता का थोड़ी बहुत की ना, बाकी अपन खा ली। आपका भी मानना ये है कि प्रधान पैसा खाता है यहाँ का, काम कम करता है, पैसा ज़्यादा खाता है? हाँ सगले हाल ही इलाके में खाते हैं सर। हाँ खा थी। नमस्कार प्रधान, नमस्ते प्रधान, आपका स्वागत है। मैं बात करने जा रहा हूँ आज प्रधान जी से, जो कि यहाँ मवाई बुजुर्ग गांव के पूर्व प्रधान रहे हैं, और ये इनका दो चरण रहा प्रधानी में और इनको काफी बड़ा प्रधानी का अनुभव, और पूछते हैं आइए प्रधान जी से किस तरीके प्रधान जिन्हें अपने कार्यकाल में काम कराया। प्रधान जी किस तरीके कार्यकाल में अपने काम कराया, क्या क्या निर्माण, नालियां निर्माण, शौचालय निर्माण, आवास निर्माण और स्कूलों का कल स्कूलों में था, स्कूलों में शौचालय और रास्तों में खड़े उनका निर्माण का काम, जितना गाँव में अच्छी परिस्थितियाँ जो है पूरी हो गई हैं और सभी स्कूलों का कायाकल्प हो गए हैं। 605 आवास नए विश्व कच हुए जिसमें 100 का पैसा आ गया है और करीब 1500 शौचालय बन रहे हैं। देखिए प्रधान जी ने बताया कि 80% सीसी रोड बनवा चुके हैं, मनरेगा मजदूरों को काम दिया हुआ है और सारे शौचालय बनवा दिए हैं। गांव में किसी तरीके की मतलब दिक्कतों का सामना प्रधान जी के कार्यकाल में नहीं करना पड़ा, मगर प्रधान जी से बात करते हैं कि प्रधान जी ने कितने आवास बनवाए और कितने नए शौचालय बनवाए हैं, बताइए प्रधान जी कितने आवास और कितने शौचालय? 632 के हमने फोटो खींचा है, 100 का पैसा आ गया, 300 और पहले कार्यकाल में 300 आवास पहले बन चुके हैं और कुछ लोही आवाज बने 7% सेशन प्रधानमंत्री आवाज, और अभी 605 की सूची बनी, 605 में 100 से ऊपर। प्रधान जी शौचालय आपने कितने बनवाए हैं? बनवाए हैं खाते पैसा दिया, हमने खुद बनवाया। अच्छा कितने परसेंट गांव के लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था? फॉर्म नहीं भरा, उसमें भी सूची बनी, 1000 भी लोगों ने दिया कुछ पहले से बन गए। देखिए जैसे प्रधान जी ने बताया कि 1000 लोगों की सूची बनी थी और सबके खातों में पैसे आए हैं और प्रधान जी ने लगातार सबके
सूची बनवा कर नाम देकर भरवाया हुआ। कुछ लोग अगर पिछड़े रह गए तो उनका भी उम्मीद है कि जल्द पैसा आ जाएगा। प्रधान जी के बताने के मुताबिक गांव की सारी समस्याओं को हल कर दिया गया है, मगर अब बात करते हैं प्रधान जी की प्रधानी खत्म होने के बाद किस तरीके का प्रधान जी को हल्का महसूस हो रहा है। नहीं प्रधान जी, आपके कार्यकाल में जैसे फरानी कार हुए हैं गांव में, किस तरीके की हालत हो गई आपकी? कार्यकाल खत्म सरकारी जैसे सफाई कर्मी है, कमाते हैं, कहीं चुनावी लगवा ले, कहीं लगवा लिया, बकाया चीज चल रहा है सब। अच्छा, गांव में किस तरीके के लोगों को आपकी प्रधानी खत्म होने के बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ा? ग्रामीण लोगों को किसी को अभी भी नहीं सामना कर रहा, जहाँ कोई समस्या होती है गरीबों को आप किसी तरह के उसको अभी सॉल्व करते हैं। अली प्रधान नहीं रिश्ते का, वो प्रधानी के न रहने के बाद भी उन समस्याओं का निदान करते हैं, बाद में करते रहते हैं। देखिए प्रधान जी ने बताया कि हमारी कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अगर किसी तरीके की जानकारी मिलती है कि प्रधान जी के कार्यकाल में किसी की तकलीफ हुई है तो उनकी भी परेशानी का निदान कराते हैं प्रधान जी, और लगातार प्रधान जी अपने कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं और हर सराहनीय कार्य में सबसे आगे पहुंचते हैं। किसी तरीके की दुख बीमारी या किसी तरीके की कोई भी समस्या आती तुरंत प्रधान जी अपने साथियों के साथ पहुंचकर प्रधान जी अपनी सारी गाँव की समस्याओं को दूर कराते हैं। यहाँ के गांव के समाज के जानकार व्यक्ति है, उन्होंने किस तरह गांव में प्रधान जी ने काम कराया हुआ है? बहुत अच्छा काम कराया, नहीं गांव में किस तरीके मनरेगा मजदूरों को काम दिया है और किस तरीके से गांव की सीसी रोडें बनवाई है, और इससे पहले गांव की कंडीशन क्या रही है? इससे पहले हम 5 साल पहले बहुत पिछड़ चुके थे। इस वर्तमान सुधार ने मनरेगा में मजदूरों को अच्छा काम दिया है, गांव की चारों तरफ रास्ताएं जो अच्छी तरह निकलने के लिए नहीं थी वो सब निकाल व्यवस्थित बनवा दिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। 5 साल से हुआ गांव में प्रधान जी ने किस तरीके के स्वास्थ्य केंद्र बनवाए और किस तरीके की यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो उसको दुरुस्त की है, इसकी जानकारी आप क्या बताना चाहेंगे? प्रधान जी ने जितना हो सका है शिक्षा व्यवस्था में और दवा में हर जगह हाथ बटाते रहे, कहीं किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं है। जैसे शासन का आदेश आता रहा वैसे प्रधान जी हर समय मौजूद रहते। गांव में किस तरीके कितने परसेंट शौचालय प्रधान जी ने नए बनवाए? हमारे 1500 के लगभग हमने टारगेट दिया था, अकाउंट में पैसा जाता था और अपना निजी लोग बनवाते थे। कुछ लोगों ने बताया, गांव के लोगों ने जिस तरीके से लोगों की सूची जाती थी उनके अकाउंट में पैसा आता था, वो लोग शौचालय अपने आप बनवाते थे, मगर यहाँ पर बात होती है कि गांव में जो सीसी रोडे हैं, खरंजे रोडे हैं, प्रधान जी ने अपने कार्यकाल में सारे को बहुत तेजी से काम कराया और जिस तरीके से इससे पहले चरण में गांव पिछड़ रहा था उसको तुरंत गांव को आगे विकास कार्य में ले गए और लगातार गांव के लिए एक नया संदेश देते चले आए प्रधान जी। अब गांव की पंचायती खत्म हो चुकी है और इसके बाद प्रधान जी पूर्व प्रधान में गिनती हो गई। अब प्रधान जी के पास जो कोई भी आता है अपनी समस्या लेकर, प्रधान जी किस तरीके की समस्या का निदान करते हैं? आज भी कोई समस्या लेके आता है प्रधान जी, निवर्तमान प्रधान आज भी तत्पर रहते हैं किसी के हर प्रकार की समस्या के लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई सा भी आदमी हो, हर समस्या का निदान उनके पास 24 घंटा हर समय तत्पर रहते हैं। प्रधान जी की प्रधानी खत्म होने के बाद गांव में किस तरीके की स्वच्छता व्यवस्था में दिक्कतों का सामना करना पड़ा? अभी तो फिलहाल कुछ दिक्कतों का सामना नहीं पड़ा, आगे चल के देखा गया है कैसा। अभी कुछ जगह देखने में आया कि नालियां भरी हुई थी और सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं, ये मामला आया, क्या है ये मामला, तो कैसा है? देखिए कहीं अब हफ्ते में 8 दिन ड्यूटी लगती है, तो इतना बड़ा गाँव है, हफ्ते में कहीं पूरा हो पाता कहीं नहीं पूरा हो पाता है, और सफाई कर्मी मान लो कभी इधर उधर चले गए इसके लिए प्रॉब्लम होती नहीं, बाकी सफाई का भी काम। देखिए इन्होंने बताया कि गांव में जिस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, वो उसकी दिक्कतों का सामना ये है कि 2 सफाई कर्मचारी हैं और यहां पर गांव बड़ा होने के कारण सफाई कर्मचारी कहीं उधर पहुंच जाते हैं तो इधर की सफाई रह जाती है, इसके वजह से गांव में दिक्कतों का सामना भी आ रहा है, मगर आने वाली प्रधानी में नए नए उम्मीदवार आ रहे हैं, नए नए लुभाने के तरीके लेके आ रहे हैं और देखते हैं इसमें प्रधान जी किस तरीके के नए प्रधान आकर क्या वादे करके क्या इरादे हैं उनके। के मवई गांव के एक नए प्रत्याशी हैं, आपकी अर्जेंट सीट आई हुई, आइए बात करते हैं नए प्रधान के प्रत्याशी से कि किस तरीके की उम्मीद लेकर आए हैं इस ग्राम सभा में और किस तरीके सारा निकार कराएंगे।
हम जो है जो गरीब लोग हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, जो वंचित लोगों को आवास पहुँचालय और जो आवासीय पट्टे प्रधान जी, आप यहाँ के प्रधान जब आने वाले दिनों में बनेंगे तो किस तरीके की जनता की यहाँ की आपको समस्या देखने को मिली वो दूर करेंगे? जो सरकार की योजना उनको आम पब्लिक तक पहुँचाने जो जनता की समस्याएं उस जनता की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, गांव में अभी आपको क्या समस्याएं देखने को मिलती? गांव में तो अभी जो नवर्तमान प्रधान जी रहे उन्होंने बहुत सारा काम किया है, काफी जो है गाँव का सुधार हुआ है। उसके पहले तो गाँव में जो है पैदल निकलना मुश्किल था। अच्छा, गांव की हाल है, कितना बड़ा गांव है और कितना वोटर होगा इस गांव में? इस गांव में 5050 वोटर है। इस गांव में किस तरीके की दिक्कतें पहले से पहले आप चरणों में रही हैं और प्रधान जो दूसरे लोग रहे हैं किस तरीके की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? पहले तो बस वही खाओ कमाओ वाली नीत वाले रहे जो सरकार का पैसा था तो बंद चाहते। अच्छा, कुछ लोग जानकारी दे रहे थे कि प्रधान जी टट्टी खा गए और प्रधान जी ने हमारे घर में कॉलोनी का फार्म भरा था, हमारा नहीं आया और प्रधान जी अपने परिवार वालों को कराते हैं, क्या ये इल्जाम सही है? सब फर्जी है, प्रधान जी ने ऐसा नहीं है, जो गरीबों के बच्चों के लिए। अच्छा, आप भी प्रधानी में आएंगे तो क्या आप भी अपनी कॉलोनियाँ गरीबों तक पहुंचाएंगे या आप भी अपने घर में बनाने में लगे रहेंगे? नहीं जी जी, गरीबों के लिए जो भी किस तरीके का काम कराएंगे आप ग्राम सभा में अपने, अगर आप पंचायती जीत जाते हैं तो? जहाँ जहाँ रास्ताएं नहीं है जो वहाँ पे रास्ते थी और जितना भी सरकार को वो पूर्ण कराएंगे, हमारे प्रधान जी का जो भी शेष काम रहेगा उसको पूर्ण कराने का काम करेंगे। देखिए, इन्होंने बताया कि जिस तरीके के प्रधान जी के साथ चरणों में छूट गया है, जो काम नहीं है वो काम भी कराएंगे और अगर प्रधानी में आए तो ये जनता की जो भी समस्याएं आएंगी सामने उसका निदान भी करेंगे। इनका क्या शुभ नाम है, जानते हैं इनसे? शुभ नाम पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं संतोष वर्मा जी और नई जानकारी इनसे ये प्राप्त हुई कि गाँव में प्रधान जी ने बहुत विकास का काम कराया, इनको लगातार प्रधान जी के कार्यक्रमों से खुश नजर आए। आइए बात करते हैं अगले जनक से, क्या है उनकी समस्या। आइए हम बात करते हैं जग प्रसाद जी से जो कि यहाँ के बीडीसी के प्रत्याशी हैं और ये किस तरीके का काम कराएंगे अपनी ग्राम पंचायत। ब्रह्म जी, हम करना चाहते हैं कि हमें अगर बीडीसी प्रत्याशी बन गए तो ना ही तो गलत काम होगा ना ही तो जीतेंगे, जो काम मिलेगा। गाँव में किस तरीके गलत काम होते नजर आए आपको, जो इसको देख के आपको वोट? अभी तक जो भी है हमारे प्रधान जी रहे तो बहुत अच्छे काम हुए हैं, काम से कोई ये नहीं है। नहीं, ग्राम सभा के निवासियों का क्या कहना है? उनका ये कहना अभी तक तो नहीं ये जानकारी थी कि कितने क्या हुआ है, अब जैसा भी जो होगा। आपको चुनाव लड़ने की इच्छा कहाँ से पैदा हुई, कैसा आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैं चुनाव लड़ूंगा और इस समस्याओं को निदान करूंगा? छोटा सा चुनाव था बीडीसी का, तो सब ये था कि सब जानकारी हो गई, जैसे बीडीसी चुनाव लड़ ले हम भी आगे की तमन्ना थी कुछ। अच्छा, किस तरीके की बीडीसी चुनाव लड़ने के बाद आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, वोट किस तरीके मांग रहे हैं और क्या वादे आप उनसे कर रहे हैं? बस यही कि हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे हैं कि भैया हमें एक बार मौका दिया जाए, जो भी कार्य होगा आपका तो मिलेगा, जो बस मिलेगा काम करवाया जाएगा। अच्छा, ग्राम सभा में क्या दिक्कतें आपको नजर आ रही हैं जिनको आप आते साथ दूर करेंगे? अभी तो कोई दिक्कतें नहीं आ रही क्योंकि यहाँ काम हुआ है। पूर्व बीडीसी प्रत्याशी जो बैठे होंगे उन्होंने किस तरीके कार्य कराया है और क्या आपके नए आगे की योजनाओं का आप लोगों तक लाभ पहुंचाने वाले हैं जो आपको लोग चूस रहे हैं? उन्होंने काम करवाया है इधर उधर, जो नालियां हैं, शीशियां हैं, जो भी आया है रोड। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये यहाँ के इलाके के बीडीसी के प्रत्याशी है और ये लोगों का कहना है जो कार्य छूट गया है हम वो कार्य कराएंगे, लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं कि मुझको जिताएं और आगे आपकी दिक्कतों का निर्धारण हम करेंगे। टीवी इंडिया टीम के लिए बांदा से गुल मोहम्मद मंडल की रुचि।